हाय गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल नेहाज किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोदक करी की रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मोदक तो आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा, पर कभी आपने इसकी सब्जी बनाकर खाई है? तो इसमें मैंने कोई भी लहसुन और प्याज का यूज नहीं किया है। आप इसे भगवान पर प्रसाद के रूप में भी चढ़ा सकते हैं और लहसुन और प्याज डालकर आप इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। तो सबसे पहले हम मोदक के लिए फिलिंग बनाएंगे। तो आप पैन को रखिए मीडियम फ्लेम में, उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच तेल और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/2 कटोरी मूंगफली। तो अगर आपको यहाँ मूंगफली बिना तेल के रोस्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो मूंगफली को आप कंटिन्यू चलाते रहें और जब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाए, ये देखिए जब उसमें से उसका छिलका अलग होने लग जाए, इसका मतलब कि मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, रोस्ट हो चुकी है। तो मैं कैमरे के पास लाकर भी दिखाती हूँ। जब इस तरीके से मूंगफली दिखने लगे, आप उसे प्लेट में डालकर रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने के लिए रख दें। तो फिलिंग में डालने के लिए दूसरा आइटम है तिल। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 1/4 कप तिल और आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से भून जाए, रोस्ट हो जाए। और ये देखिए जब तिल जो है चटकने लगे, जब पॉपअप होने लगे, आप इसे मूंगफली के साथ ही प्लेट में निकाल लें। तो इसे भी रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए आप रख दें। तो फिलिंग में तीसरी चीज डालेंगे खसखस। तो यहाँ पर आप 1 बड़ा चम्मच खसखस ले लें। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर हो तो आप इसे ज़रूर डालें, इससे मोदक में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे रोस्ट होने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं और इसे भी आप प्लेट में डाल लें ताकि ठंडा हो जाए। तो फिलिंग में चौथी चीज़ आती है सूखा हुआ नारियल, जिसे हम खोपरा भी कहते हैं। तो 2 से 3 बड़ा चम्मच आप खोपरा ले लें और एकदम लो फ्लेम में आप इसे रोस्ट कर लें। तो जो नारियल है वो बहुत ही जल्दी जल जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप इसे बहुत ही लो फ्लेम में रोस्ट करें। तो मोदक के फिलिंग की मेन 4 चीज़ें हो चुकी हैं। मसालों में आप इसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच अमचूर ताकि ये खट्टा चटपटा बने। अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक, 1/2 चम्मच इसमें आप डाल दें लाल मिर्च, या अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और हैंडफुल मतलब 1 मुट्ठी आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया। और रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। तो यहाँ जो मैंने धनिया पत्ती है उसे लास्ट में पीसा है। तो अगर धनिया पत्ती को मैं इनके साथ पीसती तो ये इतना फाइन पाउडर नहीं बन पाता, इस वजह से धनिया पत्ती को आप लास्ट में ही मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करिएगा। तो इतना सूखा फिलिंग तो मोदक में अच्छे से फील नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से आप उसमें 1 से 2 चम्मच डाल दीजिए तेल और उसके बाद इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। तो धनिया पत्ती और तेल की वजह से इसका फिलिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगा मोदक में। तो अगर आप हाथ में ले, कुछ इस तरीके से इसका लड्डू बनना चाहिए। तो मोदक की फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब बारी आती है मोदक बनाने की। तो आप एक बाउल में ले लीजिए 1 कटोरी बेसन और उसमें आप डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और अपने स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 1 चम्मच तेल ताकि जो मोदक है उसे अंदर से भी गर्माहट मिले और वो अच्छे से पक जाए। इसे आप पहले अच्छे से मिक्स कर लें। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही यहाँ बेसन भी गूंथना है, पर यहाँ पर आप पानी एक साथ नहीं डालिएगा क्योंकि जो बेसन होता है वो काफ़ी चिपचिपा होता है। तो आप धीरे धीरे करके ही पानी डालिएगा और ये देखिए इसका बेसन का हमारा अच्छा सा डो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें आप ऊपर से डाल दीजिए 1 चम्मच तेल ताकि ये सूखे ना। तो सारी रेसिपी आपको इसी तरह टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलते रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मोदक की पूरी तैयारी हो चुकी है, चलिए बनाते हैं मोदक। तो जिस भी प्लेटफॉर्म में आप मोदक बना रहे हो उसमें पहले आप थोड़ा सा तेल लगा दें ताकि जो बेसन है वो चिपके ना, और नींबू के साइज का आप बेसन ले लें। तो थोड़ा सा आप यहाँ बेसन सूखा छिड़क भी सकते हैं ताकि ये बेलन से चिपके ना। तो आपको इसे पूरी के साइज का बेलना है, पर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, नहीं तो ये जो फीलिंग है इसका, जो भरावन हमने बनाया है, ये उसे होल्ड नहीं कर पाएगा। और अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा मोटा बेल दिया तो ये पकेगा नहीं अच्छे से। तो आप अपने हाथ में इसे कुछ इस तरीके से रखिए, अंदर डालिए मसाला और इस तरीके से आप इसे फोल्ड करते जाइए। ये बहुत ही आसान है इसे ऐसा फोल्ड करना, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो आप इस तरीके से इसे पोटली का शेप बनाएं। तो अगर आपने मेरी मोदक की रेसिपी देखी है उखड़ीचे मोदक का, तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। तो ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा बेसन हो आप निकाल दें और ये देखिए कितने आसानी से मोदक बनकर तैयार हो गया। तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप मसाला डालें, इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से आप इसे पकड़ें और लेफ्ट साइड के
थंब से आप इस तरीके से इसमें फोल्ड करते जाएं, तो ये बहुत ही आसान है। ऊपर से इसे थोड़ा सा खींचे, नीचे से आप इसे ज़्यादा प्रेस मत करिएगा। और ये देखिए जल्दी से मोदक बन गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें प्याज और लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है उसकी जगह पर आधा कप मगज। तो मगज होता है खरबूजे का बीज। तो मीडियम फ्लेम में आप इसे 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करें। जब ये चटक जाए आप इसे एक प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। उसके साथ ही आप लें 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल, जो खोपरा है जो हमने पहले भी यूज़ किया है रेसिपी में, और इसे लो फ्लेम में आप अच्छे से रोस्ट कर लें कुछ इस तरीके से कलर आते तक, और इसे भी आप ठंडा कर लें। इसके साथ ही आप ले लें इसमें 2 मीडियम आकार के टमाटर। तो ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसे रफली चॉप करके हल्का सा रोस्ट कर लें। तो मीडियम फ्लेम में आप इसे रोस्ट करें, उससे सब्जी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और बस 5 मिनट रोस्ट करने के बाद आप इसे भी ठंडा करने के लिए प्लेट में रख दें। और अब बारी आती है ग्रेवी बनाने की। तो आप पैन में डालिए 3 से 4 चम्मच तेल, गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें। और जब तेल गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा को आप चटकने दें। तो अगर आप इस ग्रेवी में प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो 1 प्याज और 4 से 5 लहसुन और अदरक का पेस्ट आप इसमें डाल दें। तो प्याज और लहसुन को भी आप थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लें और फिर ग्राइंड करके डालें। तो यहाँ मैंने फिर तेल में डाल दिया है हींग, 1/2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची और 2 लौंग। तो खड़े मसाले डालने के बाद ग्रेवी में अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। तो गैस का फ्लेम आप बिल्कुल लो रखिएगा ताकि जो मिर्च और मसाले हैं वो बिल्कुल जले ना। और मिर्च डालने के बाद तुरंत आप डाल दीजिए उसमें सूखा हुआ नारियल और मगज का पाउडर, जो मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है सूखा। तो लो फ्लेम में मगज और नारियल का पाउडर जो हमने बनाकर डाला है उसे आप अच्छे से पकने दें। तो थोड़े थोड़े बबल्स निकलेंगे, इसका मतलब जो मगज है वो अच्छे से पक रहा है। तो 5 से 10 मिनट ही लगेंगे लो फ्लेम में इसे पकने में। और उसके बाद आप डाल दीजिए जो टमाटर हमने भूज के रखा था उसका पेस्ट। तो टमाटर डालने के बाद आप गैस का फ्लेम कर दीजिए मीडियम, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। तो टमाटर को जल्दी पकाने के लिए आप उसमें डाल दीजिए अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो इससे जो टमाटर है वो जल्दी ही तेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए ये जो टमाटर है ये तेल छोड़ना तो स्टार्ट कर दिया है, पर ये अभी तक अच्छे से पका नहीं है। तो इसे हमें और 5 मिनट पकाना है, और आपको मसाले को इस स्टेज तक पकाना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से अभी पक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। तो सूखे मसाले डालने के बाद आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, और ये मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1.5 ग्लास गर्म पानी। तो ग्रेवी में मैं हमेशा गर्म पानी डालना ही प्रिफर करती हूँ, तो उससे जो ग्रेवी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो यहाँ नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम में ही आप ग्रेवी में उबाल आने दें, और जैसे ही ग्रेवी उबलने लगी आप उसमें डाल दीजिए हमारे पहले से रेडी किए हुए मोदक। तो मोदक आप उबलते हुए ग्रेवी में ही डालिएगा, ठंडे ग्रेवी में बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो जब हम उबलते हुए ग्रेवी में मोदक डालेंगे तो जो ये बेसन है वो इमीडिएटली पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको शायद ये ग्रेवी पतली लग रही हो, पर जैसे जैसे ये बेसन पकेगा ये जो ग्रेवी है ये गाढ़ी होती जाएगी। तो आप ग्रेवी को मोदक के ऊपर भी कुछ इस तरीके से डालें ताकि ऊपर का जो बेसन है वो भी पकना चालू हो जाए। और 10 से 15 मिनट के बाद ही ये जो मोदक है वो हल्के होकर ऊपर आने लग जाएंगे, इसका मतलब जो मोदक है वो अच्छे से पक चुका है। तो मोदक करी ऑलमोस्ट रेडी है, बस आप इसमें लास्ट में डाल दीजिए 1/4 चम्मच गरम मसाला। तो गैस करिए आप ऑफ, और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो गर्मा गर्म मोदक करी आप सर्व करिए गरम गरम पूरियों के साथ या फिर रोटी के साथ। तो आप ये मोदक करी या तो भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं या फिर घर में ऐसे ही बनाकर देखें। तो कैसे लगे आपको मोदक की ये रेसिपी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।